जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तुलसी की मंजरी से संबंधित और तुलसी के जो भी आश्चर्यजनक अमोघ अचूक उपाय कहे जाते हैं शास्त्र अनुसार, वो पौराणिक उपाय आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, अपने घर के दुख दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, रोग शोक को मिटाना चाहते हैं, कर्जों से मुक्ति चाहते हैं और अपनी हर मुराद को पूरी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। दोस्तों, ये जानकारी शास्त्र अनुसार हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी की मंजरी होती है, हमें भूल कर भी किस दिन तोड़नी नहीं चाहिए। और इसके बाद जो शास्त्रीय उपाय है, जो आश्चर्यजनक टोटके जिन्हें कहा जाता है, ऐसे अचूक उपायों को हम जानेंगे। तो दोस्तों, कौन सी वो गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, पहले वो हम जान लेते हैं। और आज है दोस्तों उत्पन्ना एकादशी, आप ये उपाय आज शाम में भी कर सकते हैं और किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं, रविवार को छोड़ करके। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व कहा गया है। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने के साथ ही तुलसी के औषधीय गुण भी माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहर सकती। और कई लोग तो रोजाना सुबह उठकर तुलसी जी की चाय पीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम पहले आपको बताएंगे कि तुलसी के पत्ते हमें किस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। और तुलसी के पत्ते अगर आपको चाहिए तो पौधे से इन पत्तों को लेते समय किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आइए वही हम जान लेते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि रविवार, सूर्य ग्रहण, एकादशी, संक्रांति, द्वादशी, चंद्र ग्रहण और संध्या काल में तुलसी कभी भी नहीं छेड़नी चाहिए, ना ही इसके पत्तों को तोड़ना चाहिए। मान्यता के अनुसार एकादशी पर तुलसी माता भी व्रत करती है, इसलिए इस दिन पत्ते तोड़ने से घर में गरीबी आती है, दुख दरिद्रता का वास होता है। तो दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इन दिनों में हमें कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार के दिन भी तुलसी के पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। और दोस्तों, अगर हो सके तो मंगलवार को भी तुलसी पत्र तोड़ने से आप परहेज रखिएगा। और तुलसी की पत्तियों को तोड़ते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, तुलसी की पत्तियों को कभी भी नाखून से या फिर खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियों को कभी भी मुंह में चबाना नहीं चाहिए। इसे जीभ में रखकर आप सीधा निगल सकते हैं या चूस के इसे आप अंदर ले सकते हैं। शास्त्रों में तुलसी माता को राधा रानी का, लक्ष्मी माता का अवतार कहा गया है। और दोस्तों, बिना नहाए कभी भी तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में पूजन के लिए पत्ते अगर आप ले रहे हैं तो बिना नहाए आपको कोई पत्ता नहीं तोड़ना है, अन्यथा आपकी पूजा भी स्वीकार नहीं होगी। और अगर शाम के समय आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तुलसी जी के पत्ते आपको चाहिए, तो दोस्तों आप राधा रानी का नाम लेकर के महालक्ष्मी माता को प्रणाम करते हुए, तुलसी माता को प्रणाम करते हुए पत्तों को तोड़ने से पहले थोड़ा सा पौधे को आप हिला लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप कोई पत्ता ले सकते हैं। ये सिर्फ उस समय आपको करना है जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में आपको तुलसी पत्र चाहिए, जैसे घर में कोई बीमार है तो उसकी औषधि के लिए, जीवन रक्षा के लिए अगर आप तुलसी पत्र ले रहे हैं, तो श्याम के समय पौधे को थोड़ा सा हिला करके, भगवती माता को नमस्कार करके, उसके बाद ही तुलसी की पत्तियां आपको तोड़नी चाहिए। अन्यथा श्याम के समय कभी भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए। और दोस्तों, अब हम इन विशेष उपायों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से वो असरदार अमोघ रामबाण उपाय है वो आप जान लीजिएगा। पहली बात है दोस्तों, रविवार के दिन तुलसी में आपको कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध आप चढ़ा सकते हैं, घी का दीपक आप जला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। और दोस्तों, अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो हर शुक्रवार तुलसी जी में कच्चा दूध आप चढ़ा दीजिएगा और फिर मिष्ठान का या फिर पेठे का भी
आप भोग लगा सकते हैं, ये आप भोग लगा दीजिएगा और जो प्रसाद आपका बच जाता है किसी भी सुहागन स्त्री को आप दान कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपके व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अचूक उपाय इसे कहा जाता है, बहुत लोगों ने इसे आजमाया हुआ है। दोस्तों आपको उपाय में करना क्या होगा, एक पीतल का लोटा आपको लेना है, इसमें जल भर लीजिएगा और तुलसी जी की 4 या 5 पत्तियां आपको ले लेनी है और इस लोटे में डाल दीजिएगा और इसे एक पूरे दिन रात यानी कि 24 घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिएगा। अगले दिन स्नान करने के बाद इस जल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिएगा और जल को पूरे घर में भी आपको छिड़कना है। ओम श्री वृंदाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हुए इस जल को अपने पूरे घर में आप छिड़क दीजिएगा। बस जो जूते चप्पल की जगह है या आपके ऐसे कोने हैं जहाँ थोड़ी बहुत अशुद्धि रहती है तो गंदगी वाली जगह पर इस जल को आपको नहीं छिड़कना है और बाकी जो जल आपका बच जाएगा तो दोस्तों इसे आप किसी भी पौधे में अर्पण कर दीजिएगा। इस उपाय के द्वारा आपकी जो कोई भी मनोकामना हो दोस्तों तुरंत पूरी होनी शुरू हो जाएगी और इस उपाय के द्वारा आपकी मनोकामना पूर्ति में जो भी कोई बाधाएं आ रही थी वो अब दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपके कार्य अब तक नहीं बन रहे थे वो रुके हुए अटके हुए बिगड़े हुए काम अब आपके सफल होने शुरू हो जाएंगे। चारों तरफ से आपको खुशियों के समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए है। और एक अंतिम उपाय और हम आपको बता रहे हैं, इसे तांत्रिक उपाय कहा जाता है। अगर घर में किसी को नजर दोष हो जाता है तो दोस्तों इस उपाय के द्वारा आपका किसी भी प्रकार का नजर दोष हो वो आपका तुरंत दूर हो जाएगा। उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलसी के 7 पत्ते यानी तुलसी दल आपको लेना है और 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में आप ले लीजिएगा। इसके बाद जिसकी नजर उतारनी है उसे लेटा करके उस बंद मुट्ठी से उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलकर 21 बार आपको अपनी मुट्ठी को वार लेना है, अपनी मुट्ठी को घुमा देना है 21 बार, जिस मुट्ठी में आपके 7 तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च बंद है। इसके बाद दोस्तों काली मिर्च आप पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दे दीजिएगा और तुलसी के पत्तों को हाथ से मसल कर उसे निगलने के लिए दे दीजिएगा। दोस्तों आप देखेंगे इस उपाय के द्वारा तुरंत उस व्यक्ति का नजर दोष दूर होगा, किसी भी प्रकार के उसके शरीर में रोग है दोष है वो दूर होने लगेंगे या आपके घर के किसी भी सदस्य को नजर हुई है तो दोस्तों इस उपाय के द्वारा हर पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों अगर कर्ज से आप मुक्ति चाहते हैं और जीवन में हर तरफ आप खुशियां ही खुशियां चाहते हैं तो एक और महा उपाय हम आपको बता रहे हैं, तुलसी की मंजरी का उपाय। उपाय में आपको क्या करना है दोस्तों, तुलसी जी की जो मंजरी होती है जिनसे बीज बनता है जो झंडिया सी बनी होती है इन मंजरियों को आपको इकट्ठा करना है। द्वादशी के दिन जितने भी तुलसी जी की मंजरियां हैं इन सब को आप एक लाल धागे में पिरो लीजिएगा। अगर 51 हो जाती हैं या 101 हो जाती हैं तो दोस्तों इन तुलसी की मंजरियों को आप शालिग्राम भगवान पर या फिर विष्णु भगवान पर अर्पण कर दीजिएगा। इन मंजरियों का एक हार बना करके भगवान को आप पहना दीजिएगा और जो कोई भी आपकी मनोकामना है दोस्तों वो मनोकामना आप भगवान के सामने प्रकट कर दीजिएगा। आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर 7 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी, आपको शुभ लक्षण दिखाई देने लगेंगे दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि जो तुलसी की मंजरी होती है, तुलसी
तुलसी पर भार होती है और जो कोई व्यक्ति तुलसी की इस मंजरी को हटाता है तो तुलसी माता उसे बहुत ज्यादा आशीर्वाद देती है, अपना प्रिय मानकर उसकी हर मुराद को पूर्ण करती है। इस उपाय के द्वारा व्यक्ति को हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार की तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है और उसका जीवन धन्य हो उठता है। तो दोस्तों, आज ये शास्त्रीय उपाय हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि इन उपायों से और भी जरूरतमंद लोग अपने जीवन को धन्य बना सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर प्रकार की धर्म क्रम संबंधी जानकारी के लिए, विशेष उपायों के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।